डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर यानी कि की एक्सरसाइज आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से टास्क दिए गए हैं और हमने अपनी अगले सलीम इस्तेमाल करते हुए उन्हें कैसे सॉल्व करना है सो लेट्स मूक टू डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है आइए देखते हैं कि हमारे पास पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है ब्लड ग्रुप बी फिनोटाइप कॉन्टे एंटी ए एंटीबॉडीज यानी कि अगर किसी बंदे का या बंदी का ब्लड ग्रुप बी है अपेरेंटली बी है तो उसमें एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाएगी जाहिर है, तो है कौन सी होगी ए एंटीबॉडीज होंगी कि इसमें सीरम में और इट एग्लूटिनेट एनी आर बी सी विद एंटीजन तो ये किस डिड है ज़ाहिर है हम एंटीबॉडी की फाइट करवाएंगे उसी एंटीजन के साथ तभी तो ग्लूटिनेशन होगी तो एंटीबॉडी ए हमेशा किस से मिलकर एग्लूटिनेट होगी तो आंसर है एंटीजन ए के साथ इसीलिए किसी भी इसीलिए किसी भी बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ई ब्लड ग्रुप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर हम उससे ए ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर ए एंटीजन से फाइट करेंगी ये वाली एंटीबॉडीज और क्या हो जाएगी एग्लूटिनेशन ब्लड वेसल्स में कैपलरीज में फंस जाएगा ब्लूइंग होगी ऑर्गेनिजम नीला हो जाएगा और इवेंचुअली इसकी डेथ हो जाएगी सो आंसर इज ऑप्शन सी नाउ वी टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर टू चांस फॉर अ सन चांस फॉर अ सन और डॉटर इन ह्यूमन बर्थ आर क्या चांसेस हैं, ठीक है थ्री सन टू वन डॉटर देखते हैं हम लोग क्रॉस करके कर देखेंगे आसानी से पता चल जाएगा फादर का क्या जेनेटिक मेकअप होता है जाहिर है एक्स वाई और मदर का जेनेटिक मेकअप क्या होता है एक्स एक्स इज हेट्रोगामेटिक एंड मदर इज मोग तो फादर प्रोड्यूस करेगा टू टाइप के स्पर्म एक एक्स वाले और एक वाई वाले जबकि मदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का प्रोड्यूस करेगी दैट कंटेन्स एक्स क्रोमोजोम अब अगर ये वाला स्पर्म इस टैक को फर्टिलाइज करेगा तो ये बनेगा सन राइट right? अगर ये वाला क्रोमोजोम इसको फर्टिलाइज करेगा तो प्रोड्यूस होगी डॉटर राइट right? क्या प्रोड्यूस होगी डॉटर अब देख लिया आप लोग खुद ही क्या नजर आ रहा है हम लोगों को कि क्या इस वाले क्रॉस के रिजल्ट में ये तीन और ये प्रोड्यूस हुए तो आंसर इज नो तो ये ऑप्शन तो नहीं बनती ये ऑप्शन तो, तो नहीं बन रहे क्या एक सन टू थ्री डॉटर इशो बन रही है तो अगेन आंसर इज नो ये ऑप्शन भी नहीं बनती हाँ ये बन रही है कि हमेशा एक सन और एक डॉटर एक सन और एक डॉटर की ऑप्शन रहती है हमारे पास तो ऑप्शन क्या बन गई है मेरे पास सी तो करेक्ट ऑप्शन इज सी वाइल रेस्ट ऑफ द ऑप्शन मल्टीपल चॉइस नंबर ऑफ ह्यूमर लिंकेज ग्रुप इन मेन तो आपको पता लिंकेज ग्रुप कब बनेगा जब दो क्रोमोसोम्स आपस में पेर अप होंगे राइट दोबारा से बोल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए एक लिंकेज ग्रुप कब बनेगा जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने होमोलोग खड़े होंगे तो आपको पता है कि हमें ट्वेंटी थ्री फादर से मिलते हैं और ट्वेंटी थ्री हमें अपनी ग्रेट मदर से मिलते हैं तो इस तरीके से पहला फादर का मदर के पहले क्रोमोसोम से लाइन अप होगा फादर का दूसरा क्रोमोसोम मदर के दूसरे क्रोमोसोम से लाइन होगा फादर का तीसरा क्रोमोसोम मदर के तीसरे क्रोमोसोम से लाइन होगा और इस तरीके से तीन लिंकेज ग्रुप बनते चले जाएंगे तो चूंकि फादर के पास भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम है और मदर के पास भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम है तो इस तरीके से मेरे पास ट्वेंटी थ्री लिंकेज ग्रुप ही बनते हैं कॉन्सेप्ट आपके पास है नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स का तो हमारे पास ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है तो एक पेयर एक लिंकेज ग्रुप बनाता है तो ट्वेंटी थ्री लिंकेज ग्रुप्स आर देयर तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज बी मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बंद का ब्लड ग्रुप है ए मैरिजन वो एक ऐसे और से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है एंड हैव वन चाइल्ड और उनका अब एक बेबी है याद रखिएगा मेल का ब्लड ग्रुप है ए और फीमेल मीन उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप है बी उनका अब एक बच्चा है हमने उस बच्चे के बारे में प्रोडिक्शन करनी है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज करेक्ट

राइट right. और जहां तक मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है बी तो बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है ऐसा होमोजाइगस बी राइट right. अगर ऐसा हो तो फिर जाहिर है फादर जो स्प्र प्रोड्यूस करेगा वो सारे ए वाले होंगे और मदर जो प्रोड्यूस करेगी वो सारे बी वाले होंगे और आई रिजल्ट जो बेबी है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा अगर ऐसा हो कि फादर होमोजाइगस हो और मदर भी होमोजाइगस हो तो फिर बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी ठीक है लेकिन आपको पता है कि इस वाले केस में जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है वो रिसेसिव डोमिनेंट भी हो सकता है यू you नो know कि ए और बी का आपस में इंटरैक्शन को वाला है लेकिन ए का ओ के साथ और बी का ओ के साथ डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप है इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में एक प्रोबेबिलिटी या चांस और भी हो सकता है कि फादर होमोजाइगस ना हो अगर फादर होमोजाइगस ना हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए ओ सिमिलरली ये भी चांस है कि जो मदर है वो होमोजाइगस बी ना हो बल्कि वो हेटरोजाइगस बी हो समथिंग लाइक इट। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या चांस हो सकता है कि ये इससे मिल जाए अगर ये इससे मिला तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी और अगर ये इससे मिल गया तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए राइट right. और अगर ये वाला ओ इस बी से मिलेगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी ओ और अगर ये इससे मिल गया तो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ ओ राइट यानी कि इस वाले के केस में ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है हम से पूछा जा रहा है के चांस क्या है क्योंकि हम उनके एग्जैक्ट होमोजा के बारे में शक में तो हम मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन मेरे पास बनेगे माई स्टूडेंट्स डी तो हम इस ऑप्शन को रॉन्ग कंसिडर करेंगे बिकॉज कि हमें इनकी होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी के बारे में पता नहीं है हाँ अगर इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जाता कि इसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है और इसकी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है तो फिर हम इनके बारे में काफी श्योर हो सकते थे कि ये होमोजाइगस है या याट्रोसाइगस बट एट दिस मोमेंट वी विल गो वेफर एंड और सेफर एंड ये है कि हम इन दोनों के हिडन जीन्स को भी कॉन्सिडर करें ए को भी देखें और बी के साथ ओ को भी देखें अगर हम ये सब कुछ देखेंगे तो फिर मेरे पास चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी ओ बी ओ और ओ यानी के इस वाले केस में बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है ए बी हो सकता है बी भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है लिहाजा ऑप्शन आती है मेरे पास डी वॉट नेक्स्ट वो या गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दर्ल्ड ये डियर स्टूडेंट्स नो वे वॉन्ट टू डिस्कस क्वेश्चन फाइव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स हम कितनी तरह के गैमेट्स बना सकते हैं या कितनी तरह के गैमीट बनेंगे बाय एन इंडिविजुअल हु इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑल फोर जीन पेयर्स अब मेरे पास फोर जीन पेयर्स कैसे हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट की बात करूँ कैपिटल टी की बात करूँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैं पोजिशन की बात करूँ तो कैपिटल ए स्मॉल ए मैं कदर की बात मैं बात करूँ लीफ uh, की तो फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल आर अभी मेरे पास चार डिफरेंट जीन पेयर्स बन गए हैं अगर आप लोगों ने फार्मूला जानना हो कि कौन से फार्मूले के तहत हम इन चार डिफरेंट जीन पेयर्स में नंबर ऑफ गैमेट्स फाइन कर सकते हैं तो फार्मूला इज वेरी सिंपल आपको पता है कि जब हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस तो उस वाले केस में आप लोगों के पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अगर था तो यहां पे दो जीन पेयर थे तो हम लोगों ने फॉर्मर लगाया था एन रेसुदी पावर टू राइट एन टू रेसुदी पार एन टू रेसुदी पार एन अब आप लोगों के पास अगर दो जीन पेयर थे तो आंसर क्या आया था मेरे पास टू रेसुदी पार टू इज इक्वल टू फोर तो जब आप लोगों के पास सिर्फ दो जीन पेयर थे तो आप लोगों के पास चार गैमेट्स बने और अगर आप लोगों के पास पावर कर दी जाए कितनी थ्री तो इसका मतलब ये होगा इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स कि इट इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इट इज इक्वल टू एट लेकिन हमसे तीन जीन पेयर की बात नहीं की गई हमसे चार जीन पेयर की बात की गई है तो फॉर्मूला क्या बनेगा टू रेस्टोर इट इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इट इज इक्वल टू सिक्सटीन फोर इंटू फोर सिक्सटीन तो ऑप्शन कहां है बी पे तो आंसर बनेगा माइडिया स्टूडेंट्स बी राइट तो फार्मूला आपने याद रखना है टू रेस पावर एन टू कॉन्स्टेंट रहता है एन वेरिएबल है तो जितने नंबर ऑफ एलियज आपके पास होंगे उनको आप सफिक्स के तौर पे पावर के तौर पे उसको प्लेस करें और फॉर्मूला आंसर फाइंड कर लें नाउ वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर अ सिक्सन विद नॉर्मल कंजर्विजन एक ऐसी मोहतरमा है कि जिसकी कंजर्विजन नॉर्मल है

क्योंकि इसके फादर क्या थे डिजीज थे तो शी शुड बी क्या कॉमन सेंस है अब हमने इसकी शादी करे के साथ कलर ब्लाइंड मैन तो जो इसका शोहर है इसका हस्बैंड है वो भी कैसा है कलर ब्लाइंड तो उसके जानवे लिखेंगे कैपिटल सी एंड वाई कैपिटल सी एंड वाई क्या करेंगे क्रॉस कराएंगे जब ये इससे मिलेगा तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी है कैपिटल सी स्मॉल प्रोड्यूस हो कितनी ट्वेंटी फाइव परसेंट ये वाली फीमेल प्रोड्यूस हो मीन टू से कलर ब्लाइंड वो कितनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट राइट लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वाला सी इस वाई से मिल जाए तो ये वाला कैपिटल सी और वाई प्रोड्यूस होगा और ये भी हो सकता है कि ये इससे मिल जाए तो फिर स्मॉल सी और वाई प्रोड्यूस होगा राइट right. यानी के कैरियर ये नॉर्मल है और ये वाला जो मेल है ये नॉर्मल है ये वाली फीमेल स्मॉल सी से डिजीज है और ये वाला मेल भी स्मॉल सी की असर डिजीज है इसका मतलब है कि 50 परसेंट चांस है कि उनका जो पहला चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड होगा तो आंसर है सी 50 परसेंट चांस है कि इनका जो पहला बेबी है वो कलर ब्लाइंड होगा फिफ्टी तो परसेंट कह ले या वन में से 0.5 पॉइंट कह ले एक ही बात है दो बेबीज नॉर्मल होंगे और दो कलर ब्लाइंड होंगे इसलिए चांस दोबारा बोल रहा हूँ कितना अब दो पेरेंट्स हैं यानी कि एक मेल और एक फीमेल मीन्स फादर एंड मदर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है दे हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उनकी जो बेटी है उसका ब्लड ग्रुप ओ है इसका क्या मतलब होगा कॉमन सेंस है कि ये दोनों मिया बीवी इस पर्टिकुलर जीन के लिए हेट्रोसाइगस तभी तो बेटी में आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि जो फादर का ब्लड ग्रुप है ए मदर का ब्लड ग्रुप भी क्या है एओ ये इंफॉर्मेशन के दोनों के ब्लड ग्रुप ए मुझे इस डॉटर से मिली है तो चीजों को रिलेट करना सीखिए ट्राई टू रिलेट दुगेदर ब्लड ग्रुप मुझे गिवन था ए लेकिन मैंने उनकी बेटी के ब्लड ग्रुप से अंदाजा लगाया कि यह दोनों हैं वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी चाइल्ड है अब ये हर दफा जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके लिए ये जो है ये पहले वाले इवेंट के इंडिपेंडेंट है तो हमें नेक्स्ट चाइल्ड के बारे में परेशानी होना चाहिए चांसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है लिहाजा जितने चांसेस पहले में, दूसरे में, दूसरे में, तीसरे में, में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है सॉल्व करिए और आसान देखते हैं चांस है? है ए, ए, ये है कि ये एट इज द नेक्स्ट चांस कि ये ए ओ हो जाए और नेक्स्ट चांस क्या है कि ये ए, ओ, ओ, हो जाए। उससे क्या क्वेश्चन किया था हमारे पास कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस होने का चांस कितना है तो आप देख सकते हैं कि तीन तो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, यानी कि थ्री आउट ऑफ फोर तीन बटा चार या थ्री ओवर फोर इट इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव परसेंट और इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट द सेम आंसर तो बाकी क्या बच गया मेरे पास बाकी बच गया वन ओवर फोर बाकी क्या बच गया वन ओवर फोर और जीरो पॉइंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट एक ही बात है तो ऑप्शन क्या बची मेरे पास बी पॉइंट बड़ी आसान सी बात है आप हमेशा क्रॉस कराएं हवा में तीर तुक मत मारे आप क्रॉस कराएं क्रॉस करने के बाद उसकी आसानी से आप एनालिसिस कर सकते हैं और हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर जनरेट कर सकते हैं वांट टू द क्वेश्चन नंबर एट वट आर द फिनोटाइप अब वो बजायर नजर आने वाली फैक्टर के बारे में पूछ रहा है कि वट आर दिनो टाइप्स ऑफ द पेरेंट्स पेरेंट्स यानी फादर का मेकअप भी बताना है और मदर का मेकअप भी बताना है कौन सा अ पेरेंट फिनोटाइप बतानी है ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन अब इनका जो बेटा है वो भी कलर ब्लाइंड है एंड नॉन कैरियर डॉटर हाँ जो डॉटर है वह कैरियर नहीं है नॉर्मल है लेकिन कैरियर नहीं है इसका मतलब है कि शी शुड बी होमोजाइगस शी शुड बिकॉज कैरियर नहीं है तो ये होमोजाइगस होगी तो लिखते हैं डॉटर का मेकअप आपको पता है कि हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर सकते हैं या हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर सकते हैं तो आए हम सबसे पहले लिख चुके हैं सन का ब्लड ग्रुप सन का जेनेटिक मेकअप वो क्या है एक्स के ऊपर स्मॉल सी और वाई बिकॉज ही वॉज कलर ब्लाइंड सन डॉट ग्रुप लिख चुके हैं ही वॉज कलर ब्लाइंड तो मैंने एक्स के साथ छोटा सा सी और वाई लिखा हुआ है डॉटर नॉन कैरियर है और नॉर्मल विजन क्या मतलब होगा कि जो ये मोहतरमा है डॉटर है इनकी वो कैसी होगी कैपिटल सी कैपिटल C राइट right. अब बात को जरा गौर से सुने ये वाला ट्रेट जो सेक्स लिंक्ड होते हैं ये हमेशा क्रिस क्रॉस फैशन में मूव करते हैं यानी के फादर से डॉटर में और मदर से सन में ट्रांसफर होंगे इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर सन की मदर कम से कम डिजीज नहीं है तो कैरियर जरूर है यानी कि इसकी मदर में इस सन की मदर में कम से कम ये जरूर होगा राइट right? मैंने कम अज कम का वर्ड इसलिए बोला है बिकॉज कि इस वाली मदर के यहां जो डॉटर प्रोड्यूस हो रही है शी इज नॉन कैरियर तो नॉन कैरियर कैसे बनेगी जब इसको ये वाला कैपिटल सी यहां से मिलेगा और दूसरी बात मैंने क्या बोली है कि पैटर्न जो करेक्टर्स हैं वो क्रिस क्रॉस वे में अरेंज हो रहे हैं तो चूंकि डॉटर नॉर्मल है तो मोस्ट प्रेबली नहीं बल्कि हंड्रेड परसेंट जो इसका फादर है वो भी कैसा होगा नॉर्मल होगा तो फादर को क्या लिखेंगे कैपिटल एंड यानी कि ऐसा है जो कभी भी सन में जाए नहीं सकता फादर से बिकॉज़ फादर की तरफ से सन को वाई क्रोमोसोम जाता है डॉटर को क्या जाएगा एक्स क्रोमोसोम तो ये वाला एक्स ये वाला एक्स कैपिटल सी इस डॉटर को यहां से मिला राइट right? और ये वाला स्मॉल सी ये वाला स्मॉल सी दिस वन ये सन को मिला समवेयर हेयर और ये वाला क्रोमोसोम यहां से आया आइए देखते हैं कि अब इस चीज का हमारे ऑप्शन में कहा तो पहला ऑप्शन है मेरे पास कैरियर जैसे मैंने अभी बोला कि फादर तो कभी कैरियर हो ही नहीं सकता तो ये ऑप्शन हो जाएगी मेरे पास गलत दिस इज रॉन्ग और फिर आपकी बुक ने ब्लेंडर मारा हुआ है गलती की हुई है कि जिसको भी नॉर्मल कैरियर लिखा है फादर या तो नॉर्मल हो गया डिजीज होगा तो फादर नॉर्मल कैरियर नहीं हो सकता तो अगर आपने सही ऑप्शन चूज करनी है तो आप लोगों को यह वाला कैरियर रिमूव करना पड़ेगा राइट अब हम देखते हैं कि क्या फादर कलर ब्लाइंड हो सकता है तो आंसर इज नो बिकॉज ट्रेट फादर से डॉटर में जाने थे और फादर और डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है लिहाजा ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाता है गलत हो जाता है अब हम देखते हैं इस तरफ बाकी बच गई मेरे पास नॉर्मल और कलर ब्लाइंड भाई नॉर्मल हो सकती है फादर बिल्कुल उसे नॉर्मल होना चाहिए बिकॉज़ ही डॉटर नॉर्मल है ऑप्शंस बचेगी सी और डी में से कोई एक राइट फादर इज नॉर्मल फादर इज नॉर्मल मदर कलर ब्लाइंड अगर मदर कलर ब्लाइंड होती अगर मदर कलर ब्लाइंड होती तो फिर डॉटर कभी नॉर्मल नहीं हो सकती थी एटलीस्ट शू शुड बी ए कैरियर लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो डॉटर है वो नॉन कैरियर है इसलिए मदर कभी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती लिहाजा इसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकती और इन दो बातों की वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकती तो बाकी बच गई मेरे पास ऑप्शन सी तो यही हमारा करेक्ट आंसर है कि फिनोटिपिकली फादर इज नॉर्मल एंड मदर इज कैरियर नाउ वी वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Students, in intensity, अब intensity वो हो रही है और आप किसी को देख रहे हो सकता है ये आय कदर हो सकता है ये हाइट हो, हो, हो सकती है ये वेट हो सकता है राइट right? कहते हैं अगर कोई ऐसा करेक्टर आपकी ऑब्जर्वेशन में आए जो बहुत तेजी से अपने आपको चेंज कर रहा हो इन द पॉपुलेशन तो दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज किस चीज का इफेक्ट हो सकता है मल्टीपल अलील एपिस्टेसिस या पॉलीजीन तो पढ़े लिखिए बच्चे रट्टा ही कि ये वाला कैरेक्टर हमें हमेशा में नजर आता है तो ऑप्शन बनेगी मेरे पास डी नाउ वी वांट टू टू जंप दैट इज ऑफ द स्किन कलर और आपने पॉलीजीन में ही पढ़ रखा है कि स्किन कलर जो है वो कंट्रोल होता है बाई मीन ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स तो लिखा है आपके क्वेश्चन में भी कि वो एट पेयर है तो ये भी क्या कहलाएगा मेरे पास पॉलीजीन्स

और ये एनिमल नहीं था उसे केयर नहीं करनी पड़ती थी बिलावला इस तरह के सेवन लिखे हुए हैं कि जिसकी वजह से आइडियल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था या था या इट बेसिकली द पी प्लांट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू आंसर डिफरेंशियट बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस आपको पता है कि जब हम डोमिनेंट रिशन की बात करते हैं तो वो एक ही अलील्स एक ही रील की आपस में इंटरेक्शन होती है फॉर एग्जाम्पल ए बी ओ ब्लड ग्रुप में ए डोमिनेंट है ऑवर ओ B डोमिनेंट है ओवर O. जब हम आपस में A और B की बात करते हैं तो A और B जी आपस में क्या है को डोमिनेट है लेकिन अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर जीन का इफेक्ट क्या हो रहा है किसी दूसरे लोकस के ऊपर जाके शो हो रहा हो तो उसे एपिस्टेसिस बोलते हैं ये विद इन द लोकस होता है ये विद इन द जीनोम होता है एक पर्टिकुलर लोकस किसी दूसरे रिमोट जीन को कंट्रोल कर रहा हो तो सब एपिस्टेसिस का नाम

ये आपस में को डोमिनेंट है और यही हमारे आंसर का मोस्ट सुटेबल और यही हमारे क्वेश्चन का मोस्ट सुटेबल आंसर भी है cross? आप लोगों के पास कैपिटल टी कैपिटल टी है और उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल टी क्या जा रहा है पी वन है तो जब आपने पी वन में दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को क्या, -क्या किया पुट किया इंटू अस तो रिजल्ट में क्या आएगी आप लोगों के पास एक एफ वन तो वो कह रहा है कि इस एफ वन के बारे में उसी ऑब्जर्वेशन है उसने बोला कि ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रिएट हमेशा एफ वन में इकट्ठे हो जाते हमेशा एफ वन में इकट्ठे हो जाएंगे इन अ वे कि अगर ये रिलेशन डोमिनेंट रिलेशन है तो उसमें जो एक जीन अब वो अपने आपको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेगी और दूसरी जो है वो उसके अंदर छुप जाएगी या हाइड हो जाएगी तो ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी एफ वन के बारे में एक किसने अप्लाई हम लोगों को जॉन ग्रेगर मैंडल ने नाउ वी वांट टू डिसकस द लास्ट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स राइट सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है ये कोई ऐसा ट्रेट है ऐसी खूबी है जो दोनों जेंडर में से मीन मेल और फीमेल में से सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के साथ होगी या उसके साथ रहेगी दूसरे के पास नहीं होगी मिसाल के तौर तो पर हम ये बात कर लेते हैं कि जो मिल्क प्रोड्यूस करने का जो ऑर्गन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास होता है आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमरी ग्लैंड वो मेल वाले केस में प्रेजेंट ही नहीं होते उसके हॉर्म इफेक्ट की वजह से तो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता तो जितनी भी आपने देखा कि कव है या शीप है हमेशा वो ही प्रोड्यूस करती है मिल्क तो मिल्क की प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फीमेल जेंडर तक क्या है लिमिटेड है लिहाजा इसे बोलेंगे बोले एक ऐसा ट्रेट जो किसी एक जेंडर में नहीं दोनों जेंडर में अपेयर होता है लेकिन एक में ज्यादा होता है और एक में कम अपेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट उसके ऊपर असर किसका होता है हार्मोन का वो जो हार्मोन है वो उस पर्टिकुलर जो कैसे ट्रेट को हाइपर एक्टिवेट करवा सकता है या सप्रेस करवा सकता है एक एक्सिलेंट एग्जाम्पल हमारे पास ये है बाल्डनेस जो बाल्डनेस है वो मेल में ज्यादा होती है मैन में ज्यादा पेयर होती है और वह मैन में, में कम अपेयर होती है जहां भी डोमिनेंट चीज आएगी किसके अंदर मेल में मेल की बात कर रहा हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल बी कैपिटल बी हो या कैपिटल बी स्मॉल बी हो इस वाले केस में जो मेल है वो ज्यादा पैटर्न बाल्डस का शिकार होते हैं लेकिन फीमेल कब होगी बाल्ड जब वो स्मॉल बी स्मॉल बी वाले केस में आएगी तो आपको पता है कि स्मॉल बी स्मॉल बी होने का चांस वैसे ही 33.33% .33 होता है 66.66% .66 नहीं होता तो फीमेल में बाल्डनेस या गंजेपन का चांस कम होता है मेल की نسبت अब फीमेल किस सूरत में आ, कम अफेक्ट होती है जाहिर है जब वो कैपिटल बी स्मॉल बी होती है इसका मतलब है कि फीमेल स्मॉल बी स्मॉल बी के टाइम पे भी सेफ है और कैपिटल बी स्मॉल बी के टाइम पे भी सेफ है तो ये वाला ट्रेट मेल में ज्यादा अपियर होगा और फीमेल में कम अपीयर होगा लिहाजा यह कहलाएगा सेक्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ट्रेट लेकिन जहां तक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की बात है ये सिर्फ और सिर्फ फीबी गैस तो एसोसिएटेड है इसका मेल से कोई ताल्लुक नहीं है लिहाजा बोलेंगे एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज आई होप कि आप इन पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेश को यूज करेंगे टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड टू बी अ वेरी हमल डॉक्टर अ डॉक्टर दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द द्यूमेटी इस दुआ के साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़